सारा देश में एवं ब्रेन स्ट्रोक मामला वृद्धि होती तेज सचेतनतार अभाव अवहेला और विलंबरी चिकित्सा जो अधिकांश रोगी लगी प्राणघातक होगी बंची जाने बुझा विचार कह मन पकाइबार क्षमता हरई बस एनेक रोगी मुह बंका हो जा शरीर गोटे पट अंक अचल हो पड़ी एपरी परिस्थित लोकों जीवन दुर्बिषह हो पड़ी। नोएडा फोर्टिस हॉस्पिटल न्यूरो स्पाइन सर्जरी डायरेक्टर तथा चंडीगढ़ पीजीआईआर पूर्वतन कंसल्टेंट डॉक्टर राहुल गुप्ता ब्रेन स्ट्रोक होबार तुरंत बाद जदि रोगी को कौन भल हस्पिटाल पहुंचाई दि जाए तेज रोगीर जीवन बचा जा पार बोली घंटे किंवा दुई घंटा मधे जदि रोगी हस्पिटाल पहुंची पारा तेज आहरी भल ए रोगी जदि दूर दूरातर ग्रामीण क्षेत्र में रोता तेज चारु छ घंटा मध्य हस्पिटाल पहुंचाई जा पारे जीवन बची जापर रोगी लगि यह हो गोल्डेन आवर और सठिक चिकित्सा मिल पारे रोगी संपूर्ण सुस्थ हो जापारे डॉक्टर गुप्ता कहते जे इस्मिक ब्रेन स्ट्रोक रोगी को चारु छ घंटा मधे एक इंजेक्शन दि जाए फल मस्तिष्क नर्वस रक्त बाहिक ब्लॉकेज दूर हो पारे और दुई रु तीन मास चिकित्सा रोगी पुणी स्वाभाविक जीवन जापन कर तेज आपण कौन जानते कि कहीं ब्रेन स्ट्रोक होता है तेज आसतु जाणी यह पचर कौन रही कारण अनियमित खाद्य पानी जीवनशैली सिगरेट और धूम्रपान अभ्यास विलंबित राति पर्यंत मोबाइल और टीवी देखा जो अत्यधिक स्ट्रेस कारण मस्तिष्क को रक्त पहुंचाऊ शिरार चर्बी जमी जाए जहाँ को ब्लॉकेज कहुए एतिजोगु ब्रेन स्ट्रोक हुए यह एक जीवनशैली जनित रोग जहाँ को इस्मिक ब्रेन स्ट्रोक कहुए 85% ब्रेन स्ट्रोक इस्मिक होता है एवं युववर्गों मधे यही बेमारी व्यापार लगी ब्रेन स्ट्रोक रो शिकार होता 10-15% लोकों आयु 40 ब्रेन स्ट्रोक रे शिकार होता 10-15% लोकों आयु 40 वर्ष रु कम बोली न्यूरो विशेषज्ञ कहते। ब्यूरो रिपोर्ट मेट्रो टीवी उड़ीसा।